हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए, फिर से स्वागत है आपका व्यूर बेस्ट डॉक्टर चैनल में। गाइस, मैं डॉक्टर रुबिन स्वागत करता हूँ आपका आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक आपकी कई सारी रिक्वेस्टों के बाद आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ, एंड आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है हमारा ECG। ECG के बारे में आज हम समझने वाले हैं, हिंदी लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से ECG क्या है और ECG के क्या है। सो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ECG है क्या। देखिए, ECG हम तब कराते हैं पेशेंट में, या पेशेंट को तब कराना चाहिए जब उसके हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो रही हो। जैसे हार्ट ब्लॉक है, हार्ट अटैक है, इस्केमिया है, इन्फार्क्शन है, या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम अगर पेशेंट को है तो उसे हम ECG कराने के लिए कहते हैं। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो दोनों नाम से जानते हैं। एंड हम इसका रिदम एंड कंडक्शन को एसेस देखने के लिए कराते हैं कि इसमें क्या है, इसमें होता क्या है। जब भी हम ECG कराते हैं तो जो सिग्नल्स होते हैं हार्ट के, सिग्नल्स को हम एम्प्लीफाइड करने के बाद उसे प्रिंट पर डिस्प्ले कर देते हैं मॉनिटर की सहायता से। सो फिर गाइस, चलते हैं, आज हम समझते हैं ECG इन हिंदी में। और देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल ECG क्या है। नॉर्मल ECG, नॉर्मल हार्ट रेट क्या है। नॉर्मल हार्ट रेट आपका है, नॉर्मल ECG अगर आपको बनाना हो तो नॉर्मल ECG क्या है। देखिए, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल आपका ECG है, राइट। तो ये इस तरीके से आपको नॉर्मल ECG बनानी है। ओके, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसमें जो वेव्स होते हैं वो वेव्स का फंक्शन क्या है और ये वेव्स क्या करती हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका हार्ट है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है LV, और ये आपका राइट वेंट्रिकल है RV, और ये आपका राइट एट्रियम है एंड ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। ओके, तो हम इसे कहेंगे हार्ट, जस्ट एग्जांपल। यहाँ समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, अब हमें हमें यहाँ इसको पर समझना समझना ये क्या है। है कि आपका पी वेव जब इनके अंदर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के अंदर कोई एबनॉर्मिटीज़, कोई बीमारी होगी तो हमें ECG में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनकी वेव्स की। देखिए, ये है पी वेव, ये है क्यू, ये आर एंड ये एस, जिसे हम QRS कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, और ये हो गया आपका टी वेव। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। तो ये तीन जो वेव हैं ये फंक्शन क्या कर रही हैं, ये हम आज समझेंगे इस वीडियो में। और देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं पी वेव के बारे में, पी वेव। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि पी वेव का वर्क क्या है। देखिए, पी वेव का जो वर्क है, पी वेव का वर्क होता है जो एट्रियल, जो आपके हैं ये वाला जो पार्ट है, ये जो राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, इनका कॉन्ट्रैक्शन, राइट या लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ओके, इसे कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी हम जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, या तो आप या तो आप कह लीजिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर आप कह लीजिए राइट एंड लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन, ठीक है। आप सीधा समझ लीजिए, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए, इसका क्या वर्क है पी वेव का, ये देखिए, या तो आप ये कह लीजिए कॉन्ट्रैक्शन राइट एट्रियल, या लेफ्ट एट्रियल, या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो आप एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आप याद रखिए। अब हम बात करें कि आपका जो QRS कॉम्प्लेक्स है, QRS कॉम्प्लेक्स, तो QRS कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है। देखिए, QRS कॉम्प्लेक्स का फंक्शन होता है आपका
जो वेंट्रिकल्स हैं उनका डिपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ठीक है, चाहे तो आप इसे याद कर लीजिए या इसे याद कर लीजिए। अगर हम बात करें कि आपका टी वेव का क्या फंक्शन है, तो टी वेव की अगर हम बात करें तो टी वेव का फंक्शन होता है वेंट्रिकुलर, मैं यहाँ पर कलर चेंज करूँगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या फिर आप कहें तो इसे हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन तीनों वेव्स का काम। अब हमें यहाँ पर क्या देखना होगा, हमें यहाँ पर देखना होगा कि ये जो फंक्शंस हैं इनके बाद में जो इंटरवल्स हैं वो इंटरवल्स क्या हैं, एंड पी वेव के अंदर भी अगर हम जाएंगे तो पी वेव के अंदर भी क्या फंक्शंस हैं, पी वेव और क्या वर्क करेगा, एंड इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम पी वेव की बात करें तो पी वेव में क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पी वेव सबसे पहले हमने समझा कि पी वेव में क्या आपको देखना था, क्या पी वेव का वर्क क्या है। तो देखिए, पी वेव का वर्क था एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो पी वेव में भी अगर हम नॉर्मली मॉर्फोलॉजिकल अगर हम चलते हैं, पी वेव को अगर हम मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल भी चलते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को दो चीज़ मिलेंगी। देखिए, या तो पी वेव आपका टॉल होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है, नॉर्मल पी वेव आपका ये है। ठीक है, नॉर्मल पी वेव मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, देखिए ये नॉर्मल पी वेव है आपका। ओके, अगर ये इस तरीके का पी वेव है आपका, इसका मतलब होता है कि आपके राइट एट्रियल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एंड राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है, हम इसे कहेंगे राइट, या फिर आप इसे राइट ए बना देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, यानी कि आपके जो राइट वाला चैम्बर है एट्रिया का, उस वाले चैम्बर में प्रॉब्लम है, उसका साइज़ जो है बढ़ गया है। अगर हम बात करें नंबर टू में हम देखेंगे कि आपका जो पी वेव है वो पी वेव इस तरीके से आएगी, ये एंड ये इस तरीके से, इसे हम कहते हैं एम शेप्ड पी वेव हम इसे कहते हैं, एंड इसका दूसरा नाम होता है आपका अदर नाम के कैमल हम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब है आपका जो लेफ्ट एट्रियम में प्रॉब्लम है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है। ओके, तो देखिए, ये पी वेव है, पी वेव हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि पी वेव में आपको क्या देखना है। पी वेव में अगर आपकी जो इस टॉल वेव अगर बन के आती है ईसीजी के अंदर, तो आपका राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है, एंड इस तरीके की कैमल हम्प या फिर उसको एम शेप्ड भी कहते हैं, इस तरह की अगर वेव अगर बन के आती है तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए इसके अलावा भी हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम बात करें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की, जो कि यहाँ पर हमने देखा था क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें
तो QRS कॉम्प्लेक्स अगर किसी पेशेंट का बड़ा हुआ आता है, मान लीजिए किसी पेशेंट का QRS कॉम्प्लेक्स लार्ज है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि नॉर्मली स्लिम यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें भी बढ़ जाता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में भी ये देखने को मिलता है, जो आपका QRS कॉम्प्लेक्स है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में देखने को ज़्यादा मिलता है लेफ्ट